प्रथम में हम जोड़ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पेज 62, 63 और ये चैप्टर पूरा करेंगे। चलो गिनते हैं चित्रपट, ये तो पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, ये आप खुद करना। एक और बनाओ और लिखो भी, यहाँ पर आपने चित्र बनाना है इसी तरह का और लिखना भी है। पहले अब कितने तीन है ना, ये यहाँ पर एक ये बना दो इसी तरह का, आपने कोशिश करनी है बनाने की। ये बना दिया मैंने, देखो अब कितने हो गए यहाँ पे, चार। अब ये फूल है इस तरह के, एक यहाँ पर पहले बीच में गोल दायरा लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसको ये ऐसे करके ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे करके ये ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे, यहाँ से इसको करके ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे, ये बन गया एक। अब इसके अंदर आप सुंदर सुंदर रंग भी भरते हैं ऐसे फटाफट, रंग बाहर नहीं निकलना चाहिए आपके, कलरिंग करनी है आपने किताब में। और ये यहाँ पर कितने थे पहले, एक दो तीन चार, यहाँ पर लिख देंगे चार। अब एक और जोड़ दिया इसमें, हो गए अब पाँच। इसमें स्टार बनाने हैं आपने, स्टार कैसे बनाएंगे बच्चों, स्टार बनाने के लिए क्या तरीका है, इसको यहाँ से लगो ऐसे, ये ऐसे करो, ये नीचे आ गए, फिर इसको यहाँ से ऐसे लेके जाओ इधर, फिर इसको यहाँ से सीधा लेके जाओ, फिर नीचे लेके आओ, फिर ये ऐसे लेके जाओ, इस प्रकार से आपके पास ये स्टार बन गया। पहले कितने स्टार थे, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच स्टार। अब इसके अंदर एक और मिला दिया तो कितने हो गए, छः स्टार। इसके अंदर सुंदर सुंदर आप ऐसे ये रंग कर दो। ये देखो ये गुब्बारे से बने हुए हैं, यहाँ पर आपने बड़े ही ध्यान से ऐसे करते हुए, कितने गुब्बारे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर छः लिख दो। अब एक और बनाओ गुब्बारा इस तरह का, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके अंदर फिर हम रंग कर देंगे, ये थोड़ा इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे रंग कर दो। अब कितने हो गए ये बताओ, रंग करने के बाद, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात। अच्छा ये क्या बने हैं बच्चों, ये मोमबत्ती, कितनी मोमबत्ती है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो यहाँ पर लिख दो सात। एक मोमबत्ती और बनाओ, कैसे बनाएंगे मोमबत्ती, पहले नीचे एक लाइन लगा लो ऐसे, फिर एक खड़ी लाइन लगाएंगे यहाँ, एक इधर खड़ी लाइन लगाएंगे, इधर से एक ऐसे गोला सा बनाएंगे, फिर ज्योति बनाएंगे इसकी, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये ऐसे, ये आपने ऐसे बना देना, ठीक है ना। इसके अंदर रंग कर देना है, ये हो गया आपका रंग, ये देखो। अब कितनी मोमबत्ती होगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर लिख दो आठ। अच्छा ये गुब्बारे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर लिखो आठ। एक और बनाओ, कैसे बनाएंगे गुब्बारा बैलून, ऐसे करके, ये देखो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको देख देख के आपने बनाना है ऐसे, फिर रस्सी से रस्सी बना देनी इसको ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे बनेंगे, इसके अंदर कलरिंग कर दो। अब गिनो कितने हो गए, एक दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब यहाँ नाइन लिख दो। इसमें आगे गिनेंगे, गोले बनाओ और जोड़ते जाओ। गोले बनाने हैं आपने, यहाँ छः गोले बना रखे हैं और यहाँ पर तीन, ये नौ लिख दिया। यहाँ पर कितना है, सात है ना, सात गोले बनाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और एक यहाँ बना दिया गोला। अब कितने हो गए, सात और एक आठ, यहाँ गोले कितने बना हुए, चार, एक दो तीन चार, यहाँ दो, एक और दो। अब गिनो, चार पाँच और छः, कितना आ गया, छः आ गया। गोले कितने बनाओगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर एक दो तीन चार। अब गिनो, पाँच तो है ये, पाँच से आगे छः सात आठ नौ, ये नौ आ गया हमारा। अब आप इसी प्रकार से जोड़ के सवाल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे भी हमारे जोड़ के सवाल दे रखे हैं ना, ये भी करने हैं। दो और चार, चार बिंदिया है ना, कितना हो गया छः, चार और तीन, चार चार से आगे पाँच छः सात, तो यहाँ सात लिख दो, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आपने लिखना है, कुछ भी लिखो मर्जी है आपकी, यहाँ पर मैं दो लिख देता हूँ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो कितना हो गया जोड़ आठ। ये तीन, तीन से आगे चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पर कुछ भी लिखो आप, चार लिख दिया मैंने, चार पाँच छः, ये छः आ गया हमारा जोड़। इसी प्रकार ये सवाल करने हैं। एक बिंदिया बनाओ, यहाँ पर बिंदिया बनानी है आपने ऐसे, और जोड़ कर देने, चार पाँच छः, इसमें यहाँ पर बिंदी बनाओ, कितनी बिंदी बनाए आपकी मर्जी है। तीन तो ये है, एक दो तीन, तीन से आगे चार पाँच छः सात, ये सात आ गया। इसी प्रकार आपने ये सवाल नीचे वाले बिंदियाँ बनाकर ये खेल खेल के माध्यम से करना है। चलो अगला पेज देखते हैं,
इस पे क्या है, तीन और दो कितने होते हैं, झटपट जोड़ करना आ गया, तीन तीन से आगे तीन चार पांच, पांच आ गए ना, इसको यहां से मिला दो पांच से, और इधर से कहां मिलेगा, इधर से बाद में मिलाएंगे, पहले इधर से मिला देंगे, तीन और तीन छः, आठ और एक आठ, आठ एक नौ, नौ हो गया, इसको नौ से मिला दो, ये रहा छः और दो, छः से आगे सात आठ, छः तो है ही हमारे पास, दो और आगे छः से आगे दो, छः से आगे सात और आठ, ये आ गया आठ, पांच और दो पांच से आगे दो, ये दो पांच तो थे ही, पांच गए ऊपर, पांच से आगे छः सात, इसको यहां से मिला दो, छः और तीन छः, छः से आगे तीन, ये तीन है ना, एक दो तीन, छः से आगे सात आठ और नौ, इसको नौ से मिला दो, अब इधर से मिलाओ, चार और तीन चार, चार से आगे तीन, पांच छः सात, इसको सात से मिला दो ऐसे, पांच और चार, पांच से आगे चार, पांच से आगे छः सात आठ नौ, इसको नौ से मिला दो, ये रहा दो और चार, यानी कि दो से आगे चार, दो से आगे चार है ना, ये दो से आगे तीन चार पांच छः, इसको ये छः से पहले मिला रखे हैं, चार और एक पांच, इसको पांच से मिला दो, सात और दो, सात से आगे दो, सात से आगे आठ नौ, दो ही है ना, यहाँ से चार, चार से आगे चार, चार से आगे पांच छः सात आठ, इस प्रकार सबाना के पास कहानी की पांच किताबें हैं, कितनी किताबें बच्चों सबाना के पास, एक दो तीन चार पांच, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके भाई के पास कविताओं की तीन किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, तीन, यहां लिखेंगे। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं, दोनों को जोड़ दोगे, पांच से आगे तीन, पांच से आगे छः सात आठ, दोनों के पास आठ किताब, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, आठ। एक पेड़ पर चार चिड़ियां बैठी थी, कितनी चिड़िया बैठी थी बच्चों, चार। तीन चिड़िया उड़कर और आ गई, तीन और आ गई वहां पर, अब बताओ कितनी, चार तो पहले से ही थी, तीन और आई, चार से आगे तीन, चार से आगे पांच छः सात, तो कितनी चिड़िया हो गई, सात। इसको आप लाइन लगा के भी, एक दो तीन चार लाइन, एक दो तीन लाइन, इन दोनों को कुल मिलाकर एक दो तीन चार पांच छः सात, सात लाइन। पार्क में चार बच्चे खेल रहे थे, कितने बच्चे खेल रहे बच्चों, चार। पांच बच्चे और आ गए, मिला दो कोई बात, झटपट कर दो जोड़, इसको चार से आगे पांच, पांच ये है ना, चार से आगे गिनो, चार से आगे पांच छः सात आठ नौ, तो कितने हो गए हमारे, यहाँ लिख दो नौ, यहाँ लिख दो सात। इस प्रकार से आप कंकड़ पत्थर और अन्य खेल खेल में भी गणित के जोड़ के सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ गणित पढ़ते रहिएगा और आसान विधि से गणित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।